हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वही नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु परमेश्वर हम पर इस प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियजनों, हम पापी हैं, जो सजा हमें मिलने वाली थी वो सजा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। कलवरी क्रूस पे हमारा परमेश्वर बलिदान हो गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा यहोवा जिलावर की सेवा करते हैं, वह वास्तव में जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है। सुबह दिखाता है, रात दिखाई है, प्यारी सी मीठी सी परमेश्वर ने रात दिखाई है, संभाल के रखा अपने पापों से, मन फिराने के लिए, गुनाहों से पश्चाताप करने के लिए। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए, ठीक है? कितने मन से होंगे जो मर गए होंगे मेरे प्रियजनों, जो पिछड़े होंगे वे बहुत दूर चले गए होंगे, जो कभी नहीं मिल पाते हैं दोबारा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए जो पिता हम पर प्रेम की भलाई प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमारा वह पापों का बोझ, जो सजा हमें मिलने वाली थी वो सजा यीशु पापा ने अपने ऊपर ले लिया, वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया परमेश्वर हमारा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, जब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, घबराहट में हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं, उदास हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैंने तेरे रोगों को, तेरे दुखों को मैंने निश्चय देख लिया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है। यीशु मसीह इतना महान है, उसने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने साबित करके दिखा दिया कि उसने हम सभी से इतना प्रेम किया। उसने कोड़े खाए, 49 कोड़े उसको लगवाए गए, उन कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींच कर चला आता था। मेरे प्रियजनों, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके सिर के ऊपर थूका गया, मुंह पर थूका गया, भाला भोंका गया उसकी पसली में। मेरे प्रियजनों, ताकि हम सभी लोग अपराधी न ठहरा जाएं, ताकि हम सभी को जो सजा मिलने वाली थी वो सजा हम सभी को न मिले, ताकि हम सभी के पाप क्षमा हो सके, हम सभी आजाद हो सके, अनंत काल का जीवन पा सके। मेरे प्रियजनों, ठीक है? हम सभी को परमेश्वर से बताना है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंखें बंद करके सुनेंगे, प्रार्थना को काट पीट के मत देखिएगा, मत सुनिएगा। प्रार्थना को स्टार्ट करिए और लास्ट तक आमीन बोलकर रिसीव करना। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, मेरे पिता आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता, आप सेनाओं की यहोवा मेरे पिता, आप सेनाओं की यहोवा है मेरे पिता, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो आपने यीशु पापा हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के कारण में छिपा के रखा है पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं पिता, जहाँ पर धनवान मौजूद है जो तड़प रहा है खून प्यास के कारण पिता, वे उस स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है पिता, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, नाम लेके बुलाया है आपने
माता की गर्भ से चुना ही। आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया, तू मेरा ही मेरे पिता। आपने कहा मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर पिता। आपने कहा मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भवन बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो खाट पे पड़े हैं परमेश्वर यीशु पापा, जो आखिरी सांस ले रहे पिता, जो कैंसर में है, बीमारियों में है, गिल्टियों में है, रसोलियों में है, यीशु मसीह आपके नाम से पिता वे चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर हम यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ बोलकर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है यीशु पापा, आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा मेरे पिता। आपने कहा है मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं यीशु पापा। जो बीमार है पिता, किसी के पास पिता इतना पैसा नहीं है पिता कि अपना इलाज करा सके प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे, चंगाई दे पापा। आप उन्हें छू ले पिता, वे आजाद हो जाए पिता, वे पापों से आजाद हो जाए पिता। आपसे बड़ी बीमारियां वे कुछ नहीं है पिता, सिर्फ आपको आदेश देना यीशु मसीह, और इन मसीह भाइयों के जीवनों में, हमारे जीवनों में पिता वैसा ही हो जाएगा मेरे पिता। आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे प्रियजनों। हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह में बने रहना है, पिता में बने रहना है, वचनों में बने रहना है। यदि हम उसके नाम से मांगते हैं पिता हमें क्यों ना देगा, पिता हमें हमारे मांगने से पहले जानता है, वो बिना उदारता से देने वाला परमेश्वर हो परमेश्वर है। उसने कहा मुझसे मांग मैं तुझे क्यों ना दूंगा, मैं तुझे क्यों ना गहरी गहरी और कठिन बातें बताऊंगा मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को निष्कलंक बने रहना है, पाप गलतियों से गुनाहों से अलग रहना है मेरे प्रियजनों। मेरे पिता जो हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रभु पाप गलती गुनाह हुए हैं पिता, आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें पिता। प्रभु हम मानो जाते हैं पिता, हम पाप में गिर सकते हैं प्रभु, पाप में बिखर सकते हैं यीशु पापा। आपका लहू इतना कीमती है, बहुत कीमती है पिता, कि आपका जिंदा लहू पिता हम सभी के पापों को क्षमा करता है, हम सभी को अधर्मों से छुड़ाता है पिता। आपने इतना प्रेम किया प्रभु, आप कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, आपके मुंह पर थूका गया, सैनिक लोगों ने आपके मुंह पर थूका पिता, आपको सिरका पिलाया गया पिता, आपकी इतनी बेइज्जती हुई प्रभु हमारे कारण पिता, हमारे इन पापों के कारण पिता, इन सारे मानव जात के पापों के कारण पिता, जो सजा पिता हम सबों को मिलने वाली थी प्रभु वो सजा पापा आप अपने ऊपर ले लिए पिता, और कलर क्रूस पे चढ़ गए, और पिता आपने कहा हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे मितिया पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भवन गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करे पिता। मेरे प्रभु ये किसी अन्य जाति से उधार न लेने पाए पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीष से उंडेल दे पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, वो बंदासी से दूर हो जाए, वो बंदासी से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जो उनके जीवन में पिता जो शैतान कार्य करता, जो गंदी बदरूही चल दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं उनके जीवनों में कार्य करती है यीशु मसीह, आज से पिता इनके जीवन से पिता वे गंदी आत्माओं के बंधन निकले पिता, वे टूट जाए पिता, हर करा धरा के बंधन जल जाए, मैं जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे पिता। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते मेरे स्वामी मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि मेरे पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई बहन पिता रात में नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता हमें विश्वास है प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।